हेलो एवरीवन, आई एम परवीन शर्मा फ्रॉम मदर्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई वेलकम टू ऑल एट यूट्यूब चैनल ऑफ मदर्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज क्लास फॉर द प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास, आज की क्लास जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन की क्लास रहेगी। आपके पिछली क्लास के अंदर एक क्वेरी आई थी, आपने कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 9 करवा दीजिए चैप्टर फर्स्ट का, वो नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक क्वेश्चन करवा दिया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर फर्स्ट का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, द क्वेश्चन इज मनीष नवन एंड वैभव आर पार्टनर। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप। द क्वेश्चन इज मनीष नवन एंड वैभव आर पार्टनर। तीन पार्टनर है मनीष नवन एंड वैभव। बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को आपको उनके कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं। द कैपिटल बैलेंस ऑफ मनीष नवन एंड वैभव, तीनों के पूंजी खातों की शेष दिए हैं ₹4 लाख, ₹3 लाख एंड ₹2 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट देखिए, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड कुछ पॉइंट्स गिवन है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट इज वैभव शैल बी क्रेडिटेड फॉर ₹40,000 सैलरी पर एनम। पहला पॉइंट कहता है कि वैभव को सैलरी देनी है, वैभव सैलरी 40,000 पर ईयर, वार्षिक वेतन वैभव का ₹40,000 है। तो पॉइंट सेकंड इज आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी देने के बाद एंड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर। तो यहाँ दो बात कह रहा है कि फर्स्ट तो कह रहा है कि वैभव सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद। तो सेकंड पॉइंट में एक बात हमें पता लगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% देना है। एंड एक्स्ट्रा रेमुनरेशन टू वैभव एज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ बी, वैभव शैल बी एंटाइटल टू 10% ऑफ ऑल। तो आपको इस सेकेंड पॉइंट में दो चीज़ें बता रहा है, एक तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और सेकेंड बात कर रहा है कि वैभव को रेमुनरेशन है। तो अगर हम बात करें रेमुनरेशन की, तो रेमुनरेशन इक्विवेलेंट टू सैलरी होता है, पारिश्रमिक काम करने के बदले में दिया जाता है। तो वैभव का जो रेमुनरेशन है वो 10% है, 10% ऑफ द एक्सेस ऑफ ₹35,000। 10% भी किसका, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि रेमुनरेशन 10% है कब, आफ्टर वैभव सैलरी, मतलब सैलरी घटाने के बाद एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद, और आपको बार वो आफ्टर और शब्द दे रहा है सबसे पहले। तो जब हमने एक इलेवंथ में बात की थी कि आफ्टर अगर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। ट्रिक क्या थी, आफ्टर से ऐड, इट मींस जो भी प्रॉफिट आएगा सैलरी लेस करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद, उस प्रॉफिट में एक्सेस ऑफ 35,000, एक्सेस कितना मतलब ₹35,000 से ज़्यादा जो भी प्रॉफिट होंगे उसका 10% हम क्या देंगे, वैभव को रेमुनरेशन देंगे, और वो भी पहले आफ्टर दिया हुआ है तो आफ्टर है तो उसमें क्या करेंगे, रेट ऐड हो जाएगी। क्लियर है। एंड उसके बाद बात करें सी पॉइंट, नवन इज़ टू हैव 1/3 ऑफ ऑल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट अंडर ABC। एंड डी पॉइंट इज द बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन मनीष एंड वैभव इन द रेशियो 4:1। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द अबव। प्रॉफिट आपको गिवन है 3,30,000, 3,30,000 एंड यू हैव टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर 20,000, 50,000, 20,000, 15,000 एंड 10,000। ये हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉइंग्स गिवन है साथ में आपको। थर्ड पॉइंट और फोर एंड नेक्स्ट लास्ट में आपको ड्रॉइंग्स गिवन है, ड्रॉइंग्स ऑफ मनीष नवन एंड वैभव 20,000, 15,000 एंड
10,000 ड्रॉइंग्स गिवन है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को हम साथ साथ देखेंगे। पहले बात करते हैं यहाँ दो पॉइंट तक, क्योंकि डेमिनेशन निकालना पड़ेगा, यहाँ तक हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें बनानी है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए कैसे बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट साइड, क्लियर है। स्टार्ट करें, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट इज ₹3,30,000, प्रॉफिट बाय साइड में आएगा बाय पी एंड एल अकाउंट 3,30,000, और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे ये प्रॉफिट है। अब पॉइंट वाइज बात करते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज वैभव सैलरी, वैभव को सैलरी टू साइड में आ जाएगी अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, टू वैभव और सैलरी कितनी है, सैलरी ₹40,000 वार्षिक हमने लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% डायरेक्ट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दे दो, मनीष नवन एंड वैभव 10% ऑफ 4,40,000, 4,10%, 40,000, 3,10% आएगा 30,000 और 2,00,000 का आएगा 20,000, टोटल कर देंगे तो आपके आएगा 90,000। अब मेन पॉइंट एक आपके आती है रेमुनरेशन वाली, अब रेमुनरेशन की बात कर लेते हैं। तो रेमुनरेशन के लिए आपको बताया है कि वैभव को रेमुनरेशन 10% देना है आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 35,000 से ज़्यादा वाले प्रॉफिट पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉफिट बचता कितना है सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, जिसे मैं विभाजन योग्य लाभ भी कह सकता हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट कह सकता हूँ। तो बात करें कि आपके इधर तो प्रॉफिट 3,30,000 था, 3,30,000 में से आपने 40,000 सैलरी दे दी और 90,000 क्या दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट कितना बचा। जब 3,30,000 में से लेस कर दूँ, 90 और 40 कितना होगा 31 लेस कर दीजिएगा। अगर मैं 3,30,000 में से 1,30,000 अगर लेस कर देता हूँ तो मेरे पास बैलेंस बचता है 2,00,000 रुपया। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, 2,00,000 प्रॉफिट बचा। अभी 2,00,000 का नहीं कह रहा, 35,000 से ज़्यादा जो है एक्सेस ऑफ ₹35,000 उसका 10% देना है। तो 35,000 से ज़्यादा प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट तो 2,00,000 है ना, इसमें से क्या करूँ 35,000 में और लेस कर दूँ, क्योंकि 35,000 से ज़्यादा वाले प्रॉफिट पर देना है तो मेरे पास बैलेंस आएगा 1,65,000। 165 पे 10% आफ्टर है तो रेट 100 में ऐड हो जाएगी, तो 100+10 हो जाएगा 110, 10/110, 0 से 0 कैंसिल, 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और आपके वैभव का जो रेमुनरेशन है वो आ जाएगा ₹15,000। कितना आएगा ₹15,000 वैभव रेमुनरेशन आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। तो रेमुनरेशन लिख दीजिए टू साइड में, टू वैभव रेमुनरेशन, पारिश्रमिक मैंने बताया आपको सैलरी के जैसा ही होता है तो ज़्यादा इसको लेकर चिंतित नहीं होना आपको। वैभव रेमुनरेशन है आपके 15,000, 15,000। ये तो रेमुनरेशन वाली सेकंड पॉइंट की बात हो गई। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट की, क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट पे आइए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि नवन इज टू हैव 1/3 ऑफ प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट कहता है कि नवन को कितना देना है, 1/3 1/3 भाग देना है ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट अंडर ए बी एंड सी, कि लाभ का 1/3 भाग आफ्टर चार्जिंग। अब यहाँ भी क्या आ गया, आफ्टर आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट्स आपके पास आएंगे उस प्रॉफिट्स का 1/3 भाग डायरेक्ट नहीं देना, 1/3 भाग, क्योंकि आफ्टर गिवन है और आफ्टर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है
और इसकी ट्रिक मैंने बताई, आफ्टर में ऐड, आफ्टर के लिए जोड़ देना है। जुड़ता क्या है, अगर हम परसेंटेज की बात करें, 10% अगर आफ्टर था तो हमने लिखा 10/110। अगर मैं कहूँ कि 11% या मैंने कहा कि 15% आफ्टर है तो कितना हो जाएगा, 15/115। मतलब क्या हो रहा है, जो भी ऊपर है वो नीचे वाले के अंदर ऐड हो रहा है। ये कह सकता हूँ मैं, 100 में नीचे 100 था, 100 था, 100 में 10 ऐड किया 110 हो गया। ऐसी 15 में ऐड किया तो कितना हुआ, 100 में 15 ऐड किया तो कितना हुआ, 115 हुआ। ऐसे ही अगर 1/3 है, और 1/3 भी कब है, आफ्टर चार्जिंग 1/3 है, तो मुझे 1/3 नहीं, मुझे कितना क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे में ऐड करना पड़ेगा। शॉर्टरी का याद कर लीजिए सीधा सा, तो 1/3 ना होकर मुझे कितना देना पड़ेगा प्रॉफिट, 1/4 निकालना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है। आफ्टर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्लियर है। देखिए अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं आपको, तो आप यहाँ लिख दीजिए टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, मनीष, नवन एंड वैभव। सबसे पहले आपको नवन के पोर्शन की बात कर रहा है। अब नवन के पोर्शन के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा, टोटल कर लेते हैं अकाउंट का, टोटल करके प्रॉफिट निकाल देते हैं। इधर आपका 3,30,000 है, तो क्रेडिट साइड में अगर 3,30 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 3,30,000 होना चाहिए, लेस कर देंगे तो आपका आएगा 1,85,000। क्लियर है। अब अगर हम नवन के शेयर की बात करें तो नवन का शेयर कितना होगा, 1,85,000 इंटू 1/3 नहीं, कितना होगा, 1/4। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, 1/4 आफ्टर था, ऐड किया ऊपर वाले को नीचे में, तो एक में जब 3 जुड़ा तो कितना हुआ, 4 हो गया, कितना हुआ, 1/4 निकालेंगे। 1/4 आपका आएगा 46,250। एंड अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, एंड फोर्थ पॉइंट सेज द बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन मनीष एंड वैभव इन द रेशियो 4:1। अब जो बैलेंस बचा उसे मनीष और वैभव में किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 4:1 में। मनीष एंड वैभव, द रेशियो बिटवीन मनीष एंड वैभव कितना होगा, 4:1 होगा बचे हुए प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट बचा कितना, तो जब हमने नवन को प्रॉफिट दिया तो 1,85 था, 1,85 में से 46,250 किसको मिल गया, नवन को मिल गया, तो वैभव का कितना होगा, मनीष का और वैभव का कितना होगा, रेशियो आपको बता रखा है 4:1। बचे प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशियो निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए, 1,85 में से 46,250 आप लेस कर दीजिए, करिएगा लेस, कितना बचता है, 1,85,000 माइनस 46,250, बैलेंस आएगा 5,7,8,3,1, 1,38,750 आपके पास बैलेंस आ जाएगा। इस 1,38,750 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगर हम मनीष के हिस्से की बात करें, 1,38,750 इंटू 4/5, और अगर हम इसकी बात करें तो 1,38,750 इंटू 1/5, 1/5 निकाल देंगे हम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मनीष का हिस्सा आपके पास आएगा 1,11,000। कितना आ जाएगा मनीष का हिस्सा, 1,11,000 आ जाएगा। या हम सीधा हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ना लिख कर इसको लेस करके बाहर लिख देते हैं सीधा ही, 1,11,000 मनीष का हिस्सा आ जाएगा, 1,11,000। नवन का हमने निकाला था 46,250 आया था, और जब हम इसको लेस डिवाइड करेंगे 1,38,750 इंटू 1/5, तो आपके पास बैलेंस आएगा 27,750। ये बैलेंस निकाल लेंगे आप, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 27,750। क्लियर है। इनका तीनों का टोटल 185 होगा। तो ये तो था आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा।
बात कर लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास तीन पार्टनर हैं, पर्टिकुलर मनीष, नवन एंड वैभव। ऐसे इधर हो जाएगा पर्टिकुलर मनीष, नवन एंड वैभव। पर्टिकुलर्स मनीष, नवन एंड वैभव। पर्टिकुलर्स मनीष, नवन एंड वैभव। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, सबसे पहले आपको कैपिटल के बैलेंस गिवन है 1 अप्रैल 16 को। बैलेंस 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख ट्रांसफ़र कर दीजिएगा बाय साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होंगे। बाय बैलेंस बीडी, मनीष के कैपिटल का बैलेंस 4 लाख है, नवन के कैपिटल का बैलेंस 3 लाख है और वैभव के कैपिटल का बैलेंस कितना है, 2 लाख है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन में चीज़ें थी वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जैसे सैलरी 2 में थी इधर बाय साइड में आ जाएंगी। बाय सैलरी, सैलरी है वैभव की, वैभव सैलरी 40,000। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आपके बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपका है 40,000, 30,000 और 20,000। क्लियर है? उसके बाद इसमें आता है आपके, देखो सैलरी हो गई, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, रेमुनरेशन लिख दीजिए। बाय रेमुनरेशन, रेमुनरेशन भी किसको है, वैभव को है, कैलकुलेट किया आपने 15,000। उसके बाद जो प्रॉफिट था एप्रोप्रिएशन का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट आपने निकाला, मनीष का आया था 1,11,000, नवन का प्रॉफिट था 46,250, वैभव का प्रॉफिट था 27,750। क्लियर है? अब क्या बचा, अब हमें लास्ट में एक ड्राइंग्स भी गिवन है, तो ड्राइंग्स देख लीजिए। टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स हमने देखा था, मनीष की ड्राइंग 20,000, नवन की 15,000 और वैभव की ड्राइंग थी आपके 10,000। क्लियर है? इसके बाद और कुछ है नहीं, टोटल कर देंगे और हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मनीष का टोटल देखें, 4 लाख, 5 लाख और ये आपके हो जाएगा 5,51,000। ये आ जाएंगे टू बैलेंस सीडी, 5,51, 20,000 बैलेंस कम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,31,000। क्लियर है? उसके बाद नवन की बात करें तो 3,76,250, यहाँ भी आपके आना चाहिए 3,76,250, लेस कर देंगे 15,000 तो बैलेंस आपके पास आएगा 3,61,250। ऐसे ही आप टोटल करेंगे वैभव का 2 लाख, ये आपका आएगा 2,40,60,70, 3,02,750, 3,02,750। डेबिट साइड में भी होना चाहिए आपके 3,02,750, में से 10,000 जब लेस होगा तो बैलेंस आएगा 2,92,750। क्लियर है? ये आपके क्लोजिंग बैलेंस आ गए मनीष, नवन और वैभव के, 5,31,36,250, 2,92,750। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करें।
और इसमें आप देखेंगे कि आंसर थोड़ा सा जो है मनीष और नवन का आंसर आपकी बुक में गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और आंसर आपके पुराने क्वेश्चन का ही है। आप पुरानी बुक्स में देखेंगे तो उसमें थोड़ा चेंज है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर गिवन है। मनीष और नवन का जो आंसर है वो आपका बुक में मैच नहीं होगा। क्लियर है? ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।